नमस्कार, जय श्री बालाजी की। आप देख रहे हैं एसएन सुजला, मैं हूं शिव कुमार तिवारी। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप दिखा रहे हैं। आज बालाजी महाराज के इस मंदिर का 263वां स्थापना दिवस है। आज 263वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बालाजी के मंदिर में बहुत सुंदर भव्य सजावट की गई है और पहला दृश्य हम आपको उस स्थान का दिखाना चाहते हैं जहाँ पर उस संत की समाधि है जिनके वचनों में बनकर बालाजी महाराज आसोटा धाम से रवाना होकर यहाँ पर आए थे। मोहनदास जी महाराज की बात मैं कर रहा हूँ जिन्होंने बालाजी की ऐसी भक्ति की और बालाजी ने सपने में दर्शन दिए कि मोहनदास मैं तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज के बीच में सखा का भाव रहता था और बालाजी ने सपने में कहा कि मैं रवाना हो रहा हूँ और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। बालाजी महाराज सामने गए और गाड़ी आसोटा से रवाना होकर यहाँ सालासर में रुकी और उसी स्थान पर बालाजी महाराज का भव्य मंदिर बना। एक 263 साल पहले यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था और बालाजी महाराज का आज भव्य मंदिर जो करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, पूरी दुनिया के लोग बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम बालाजी महाराज के इस मंदिर के 263वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सबसे पहले भक्त शिरोमणि संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की समाधि पर दर्शन करते हैं। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री मोहनदास जी महाराज भक्त शिरोमणि की समाधि स्थल का ये दृश्य आप देख रहे हैं। पूरा मंदिर आज पुष्पों से सजाए गए हैं और समाधि स्थल पर भी आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पुष्पों की सजावट की गई है। सिद्धपीठ सालासर धाम में भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज के समाधि स्थल का दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं बालाजी महाराज का दरबार भी सजा है। मोहनदास जी महाराज की चरण पादुकाओं के दर्शन हम समाधि स्थल पर कर रहे हैं। भक्त हृदय कानी दादी जी बक्षण मोहनदास जी महाराज की बहन की समाधि स्थल का ये दृश्य आप देख रहे हैं। आइए कानी दादी जी के दर्शन करते हैं और ये प्रथम पुजारी उदयराम जी महाराज के दर्शन। उदयराम जी के दो पुत्र हुए जिनमें बड़े कानी राम जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं। ईसरदास जी महाराज के दर्शन, इन्हें दोनों पुत्रों का पूरा परिवार आज सालासर धाम में बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करता है। ये बहुत ही सुंदर चित्र आप देख रहे हैं किस तरह से बालाजी महाराज के चरणों को पकड़ कर बैठे हैं मोहनदास जी महाराज। समाधि स्थल पर बहुत ही सुंदर बालाजी महाराज का दरबार है। समाधि स्थल की अखंड ज्योत के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। बक्षरों में मोहनदास जी महाराज के समाधि स्थल के ठीक सामने शिवालय जाके हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। श्रावण का महीना है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। 263वां स्थापना दिवस बालाजी महाराज के मंदिर का मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये धुना अखंड प्रज्वलित है। मोहनदास जी महाराज ने इसको यहाँ पर जलाया था 263 साल पहले संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी के दिन और आज श्रावण शुक्ला नवमी 2074 है, यानी 263वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। जितने भी भक्तसालासर आते हैं यहाँ पर बालाजी महाराज के धुने पर दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ की विभूति अपने मस्तक पर धारण करते हैं। घर में कोई बीमार होता है तो ये विभूति लेके जाके उसको दूध या पानी में घोल के पिलाते हैं और सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। आइए 263 साल पहले प्रचलित इस अखंड धुने के दर्शन करते हैं। यहाँ की विभूति अपने मस्तक पर धारण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यह अखंड धुना है जो मोहनदास जी महाराज के द्वारा प्रज्वलित किया गया था 263 साल पहले और ये कुटिया मोहनदास जी महाराज की कुटिया जहाँ पर उन्होंने तपस्या की। यहाँ पर एक झोंपड़ा था और आज ये दिव्य स्थल भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं और यहाँ पर बालाजी महाराज की प्रतिमा और भक्त मोहनदास जी महाराज की प्रतिमा है। आइए दर्शन करते हैं उस संत के जिनके वस्त्रों पर बंधकर बालाजी महाराज सालासर धाम में विराजमान हुए और यहाँ पर अखंड ज्योत भी प्रज्वलित है।
बालासर धाम के मंदिर का प्राचीन प्रवेश द्वार है। विशेष कामों के लिए इसको खोला जाता है। ये प्राचीन द्वार है जहाँ से भक्त पहले मंदिर में जाते थे। भक्तों की संख्या करोड़ों में हो जाने के कारण अब व्यवस्था के लिए द्वार सामने से बना दिया गया है। श्री बालाजी महाराज के मंदिर की आरती की ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्थापना दिवस के पावन दिवस पर। सिद्धपीठ सालासर धाम की स्थापना के आज 263 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और संध्याकालीन आरती का दृश्य आपको दिखा रहे हैं मंदिर में। धन्य भक्तगण जो ये पावन दृश्य देख रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम के 263 वर्ष आज पूर्ण हुए हैं। स्थापना दिवस की संध्याकालीन आरती का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बालाजी महाराज से आप सबके मंगल की कामना हम करते हैं। आज मंगलवार भी है और मंदिर का स्थापना दिवस भी है। 263 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं मंदिर की स्थापना के। आइए बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं सिद्धपीठ सालासर धाम में। धन्य सेन सुजला के दर्शक का आज स्थापना दिवस की महारती के दर्शन कर रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम में। हम दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम से बालाजी महाराज के। बहुत बड़ी संख्या में भक्त आज दर्शन करने के लिए सालासर धाम पहुँच रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आज सालासर धाम के बालाजी मंदिर की स्थापना के 263 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज से ठीक 263 साल पहले मोहनदास जी महाराज के वस्त्रों में बंधकर आसोटा से बालाजी महाराज यहां पर पधारे थे, विराजमान हुए थे। संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी का दिन और आज वही दिन है और आज बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। ठीक पीछे आप देख रहे हैं बालाजी का दरबार, बिजली की सजावट से सजाया गया है। पूरा धाम सजावट में दमक रहा है और बड़ी संख्या में बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है सिद्धपीठ सालासर धाम, जहाँ पर भक्त श्रोणी मोहनदास जी महाराज ने बालाजी के इसी तपस्या की थी। बालाजी साक्षात यहाँ पर उनके वस्त्रों में बंधकर पधारे और आज करोड़ों भक्तों के संकट बालाजी महाराज काटते हैं और आज इस पावन बेला में हम आपको बालाजी महाराज के इस धाम के दर्शन करवा रहे हैं। स्थापना दिवस पर बिजली की बहुत ही सुंदर सजावट आप सिद्धपीठ सालासर धाम से देख रहे हैं। आज बालाजी मंदिर की स्थापना के 263 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और बहुत ही दिव्य सजावट आप देख रहे हैं की गई है यहाँ पर और बड़ी संख्या में भक्त आज सालासर धाम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। अद्भुत बिजली की सजावट आप देख रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम के स्थापना दिवस पर। आज सुबह से भक्तों का तांता लगा है यहाँ पर। अद्भुत और दिव्य बिजली की सजावट आप देख रहे हैं सालासर धाम की स्थापना दिवस पर। और ये मंदिर प्रांगण का दृश्य आप देख रहे हैं। पूरा धाम आप देख रहे हैं बिजली की सजावट में दमक रहा है स्थापना दिवस पर। मंदिर का कोना कोना आप देख रहे हैं सजाए गए हैं।
सिद्धपीठ सालासर धाम के स्थापना के 263 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज आप देख रहे हैं पूरा सालासर धाम कितनी सुंदर ढंग से सजा हुआ है, बिजली की सजावट है, हजारों भक्त सुबह से लगातार बाबालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाग्यशाली है वो लोग जो इस पावन अवसर पर आज सालासर धाम में पहुंच रहे हैं। इस समय हम हनुमान सेवा समिति के युवा अध्यक्ष यशोदानंदन जी पुजारी के साथ उनसे बातचीत करेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले जय श्री बालाजी की, आपको स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहेंगे बालाजी महाराज के भव्य स्थापना दिवस पर? आज के दिन संवत 1811 में वार शनिवार था, मोहनदास जी महाराज ने सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना आज के दिन की थी। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का हनुमान सेवा समिति, पुजारी परिवार और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना श्री बालाजी और मोहनदास जी महाराज से हम लोग करते हैं। आज का जो उत्सव है वो पुजारी परिवार और पूरे गाँव के लिए, यह जो उत्सव का माहौल है, हम लोग त्यौहार के रूप में इस कार्यक्रम को बनाते हैं हर साल और यात्रियों और श्रद्धालुओं की तादाद। यशोदानंदन जी, अभी हम गौशाला में श्री राम जी कौशिक से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब शुरुआत में जब गुमटी बनी थी उसमें फतेहपुर के दो मुस्लिम भाइयों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और उनकी भी बहुत बड़ी मनोकामना बालाजी महाराज ने पूर्ण की। फिर ठाकर साहब की उन्होंने बताया था कि पीठ में इस तरह का एक घाव बना था, नासूर था, और जब उन्होंने यहाँ पर बालाजी की मन्नत मांगी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो वापस वहाँ से तुरंत मंदिर में पहुँचे। आप पे चूँकि हालांकि युवा है लेकिन आपने भी खूब समय मंदिर में बिताया है, आपको भी कोई ऐसी एक दो घटनाएं याद है जिससे निश्चित रूप से लोगों की श्रद्धा बालाजी महाराज के प्रति बढ़ी है? चमत्कार को नमस्कार है। यहाँ जो करोड़ों रूप श्रद्धालु बालाजी महाराज के यहाँ आते हैं, ये चमत्कार से कम नहीं है। और हम लोग, हमारा जो पुजारी परिवार है वो एक दादा की संतान है। सबसे पहले महात्मा मोहनदास जी के भांजे थे उदय राम जी, वो प्रथम पुजारी थे इस बालाजी मंदिर के। और मोहनदास जी महाराज ने जब ठाकुर साहब को वो वचन दिया था कि उनका अधीट ठीक हो जाएगा, तो सर्वप्रथम जो 125 रुपये ठाकुर साहब ने जो बालाजी महाराज के चढ़ाए थे, उस 125 रुपये से उदय राम जी और महात्मा मोहनदास जी ने उस 125 रुपये से स्टार्ट करके पहले बहुत गुमटी बनवाई थी फतेहपुर के कारीगरों से द्वारा। वो मंदिर आज उसी गर्भगृह में बालाजी महाराज विराजमान है और उसका स्वरूप आज बहुत बढ़ गया है और नाना प्रकार की सुविधाएं सालासर बालाजी के अंदर यहाँ हो गई है। इन करीबन 20 वर्षों से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों की आस्था बहुत बढ़ी है। यहाँ की ज़मीन और यहाँ की धूल, कणकण में ही बालाजी महाराज विराजमान हैं और यहाँ चमत्कार रोजाना चमत्कार होते हैं। क्या चमत्कार को हम लोग बताएं, यहाँ श्रद्धालु ही बताएंगे कि उनको क्या क्या यहाँ चमत्कार मिले हैं देखने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि कणकण में यहाँ पर श्रद्धा भक्ति है और एक चमत्कार हो तो बताएं, जहाँ करोड़ों चमत्कार हो चुके हैं उसके बारे में कौन बता सकता है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, वो भी कम पड़ सकता है। और रुद्रावतार हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ पर विराजमान है और एक संत, ऐसे संत के वचनों में बंद कराए जिन्होंने बालाजी महाराज से निवेदन किया कि वो पधारें और बालाजी महाराज आसोठा से रवाना हुए ठीक यहाँ सालासर धाम में, इसी स्थान पर जहाँ पर एक टिब्बा था, एक धोरा था, वहाँ पर उन्होंने बालाजी महाराज की मूर्ति को स्थापित किया और फतेहपुर के कारीगरों के द्वारा 125 रुपये के ठाकर साहब के द्वारा प्रदान किए गए रुपए से एक छोटी गुमटी बनी। आज यहाँ पर करोड़ों भक्त आते हैं और भव्य मंदिर यहाँ पर बन चुका है। हर तरह की सुविधाएं हनुमान सेवा समिति भक्तों के सहयोग से यहाँ पर करती है और जब साल में दो मेले लगते हैं वो तो दर्शनीय होते हैं जिसमें भक्तों की गणना करना मुश्किल हो जाता है। और आज 263 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी बहुत बड़ा मेला है जहाँ पर आज सुबह से भक्तों का तांता बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए लगा है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में की गई बिजली की सजावट। सामने देख देख, फोटो में देख, झूला उतारा जा रहा है। आज के दिन निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है, आज स्थापना दिवस है, नित्य हजारों लोग झड़ोला बच्चों का यहाँ पर चढ़ाते हैं। खासतौर से आज पुजारी परिवार यहाँ पर झड़ोला चढ़ाना बहुत बड़ा कार्य मानते हैं और आज पुजारी परिवार के बच्चों के ही झड़ोले चढ़ रहे हैं।
आप देख रहे हैं मंदिर में आज काफी भीड़ है।